अच्छा जी अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक कल्चर का क्या है जी नंबर वन डिटर्मिनेंट्स पाकिस्तान में क्या क्या है डेमोग्राफी एग्जैक्टली डेमोग्राफी और आपका जो स्ट्रेटेजिकली आपकी जोग्राफी है डेमोग्राफी इज अगर आप डेमोग्राफिक तो आप पॉपुलेशन और उसको लेके आ रहे हो नहीं डेमोग्राफी नहीं ज्योग्राफी आपके जो है ना वो प्रॉबेबली इट मैटर्स आपके कंट्रीज आपके नेबर्स और ये चीजें भी मैटर करती हैं में अच्छा सॉरी हाँ जियोग्राफी मैटर यस जियो जियो स्टैटिस्टिक्स आपकी जो है ना वो मैटर करते हैं स्ट्रेटेजिकैप्स पे आगे आएंगे क्वेश्चंस अपने उसके ऊपर लिखें ठीक है अच्छा जी अब आते हैं पाकिस्तान के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है पाकिस्तान का पहला डिटर्मिनेंट जिसपे हमारी स्ट्रेटेजिक कल्चर बन रहा होता है आप देखें बींग बॉर्न एज अ सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट पहले तो हिस्टोरिकली हम पीछे चले जाते हैं जी कि हम पैदा ही ऐसे कंडीशंस में हुए थे और हॉस्टाइल कंडीशंस थी और हमारी सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट पैदा हुए इंडिया नेहरू कह रहे हैं बनाने दो वैसे भी थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इंडिया अगेन ठीक है फिर आपके कायदेजम कोटेशन फरमा रहे हैं उनकी तरफ से वो जो कोर्ट बड़ी हिट है कि पाकिस्तान इज कम टू एंड नथिंग ऑन ऑन नो पावर कैन पाकिस्तान ठीक है वो इसके जवाब में कहा था जब नेहरू ने कहा था कि ये वापस आ जाएगा तो बात ये है कि हम पैदा ही पाकिस्तान जब हुए हैं तो हम सिक्योरिटी थ्रेटन पैदा हुए तो हमारे माइंड में सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत इशू है हम मलेशिया गए थे फॉरन स्टडी टूर पे तो उसमें हमें हमारी जो वो थी ना बंदी जो हमारी गाइड थी तो उसने हमें कहा वेयर आर यू फ्रॉम हमने कहा पाकिस्तान तो सही पहले उसने क्या क्या लगाया फिर में कहती है ओके पाकिस्तान दैट कंट्री वेयर होटल गार्ड हैज अ गन इन हिज हैंड तो पता है हम लोगों ने एक दूसरे को देखा हमने कहा हाँ तो गार्ड के हाथ में गन नहीं होगी तो क्या होगा फिर हमने उनके होटल्स के बाहर थोड़ा गौर किया उनके होटलों के बाहर गार्ड्स के हाथ में डंडे थे देर वर नो गो वेर मैंने कहा हमारे तो स्कूल के गार्ड के पास भी गन होती है भाई हम इतने आम लेते हैं ये चीजें बेसिकली हमें जो चीजें अब आम लगना शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारा कल्चर उतना डेवलप हुआ उनको वो चीजें आम नहीं लगती। तो हम सिक्योरिटी कॉन्शियस पैदा हुए और अभी तक सिक्योरिटी कॉन्शियस ही हैं और थोड़े ऐसे तक रहेंगे सॉरी मैं विंडो अच्छा जी सेकंड आता है पर डे होता है आपको वो देते हैं टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज पर हेड पर डे अब मेस इंचार्ज ने जो है क्योंकि वो खाना खैर बल्क में बन रहा होता है तो वो इत, मतलब गुजारा हो जाता है तो ये है कि सीएसए वाले नहीं अफोर्ड कर सकते मलेशिया के टूर्स। वो टर्की और मलेशिया हमारा गया था एफ एस पी फॉरन स्टडी टूर था एस टीपी में एम एल सी जी अच्छा जी अब दूसरा है हॉस्टाइल इंडिया थर्ड है इरीडेंटिस्ट क्लेम्स ऑफ अफगानिस्तान इरीडेंटिस्ट क्लेम्स ऑफ अफगानिस्तान इरेडेंटिस्ट क्या होता है जी शायद मैंने ये टर्म्स एक्सप्लेन भी की थी इरेडेंटिज्म मैंने बताया अच्छा इरीडेंटिस्ट क्लेम्स होते हैं हाँ पार्ट एक कंट्री का किसी और कंट्री की जमीन की के ऊपर क्लेम करना कि ये पार्ट मेरा है दिस इज एन इसकी एग्जाम्पल है ये चाइना और इंडिया जो लड़ रहे हैं एक पार्ट पे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के इरेडेंटिस्ट क्लेम्स इसी तरह मेन अफगानिस्तान का क्लेम है कि ये जो केपी वाला पार्ट है ये हमारा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश क्राउन और हमने उनको ये दिया था एज बफर जोन तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है तो उन्होंने अपने खतूत भी दिखाए हैं कि हमारे खतूत में लिखा हुआ है कि हम ये पाकिस्तान वाला केपी वाला जो एरिया हम इसको बफर जोन बना रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा एरिया फिर हमने उनको आगे से जवाब दिया कि भाई इंटरनेशनल लॉ आ चुका है और आई लॉ के मुताबिक आप जब नए कंट्रीज बनते हैं जब न्यू न्यू स्टेट्स कम इन टू तो उसकी दो बातें पहली तो जो पुरानी ट्रीटीज और आ, पैक्ट्स हुए हुए हैं दे आर नलिफाइड अब नया अब पाकिस्तान की लैंड के ऊपर कोई ट्रीटी होगी कुछ होगा पाकिस्तान खुद करेगा उसके लैंड से रिलेटेड प्रीवियसली जितने भी पैक्ट हुए थे ट्रीटीज हुई थी वो कैंसिल दूसरे नंबर की बात कि जो न्यू बाउंड्री सेट हुई है नाउ दैट इज द एक्सेप्टेड बाउंड्री वर्ल्ड मैप की जो बाउंड्री है जो इंटरनेशनली रेकग्नाइज बाउंड्री है आई लॉ के मुताबिक वो बाउंड्री है, वो पास्ट की बाउंड्री नहीं है जिस जमाने में आपने अंग्रेजों को दिया अच्छा हम जिस ज़माने में में मेडिकल कॉलेज मैं थी, तो तैयारी करके आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़े और लेवल पे आप चीजें अंडरस्टैंड करते हैं तो जी वहां पे देर पार्टी सिस्टम देर वॉज वन होल ग्रुप दैट सपोर्टेड कि अफगानिस्तान को केपी uh, दे देना चाहिए एंड दे कॉल्ड ग्रेटर अफगान ठीक है और देर ग्रुप जो कहते थे कि अफगानी भी कहते हैं वो तो अफगानिस्तान वाले केपी में कुछ आए हुए हैं वो तो वो कहते होंगे हाँ एंड देन देर इज एन अदर ग्रुप विच से नहीं जी नहीं वो केपी है आप वैसे मैं आपसे मतलब एज एज अ सी एस एस स्टूडेंट बता रही हूँ आपका सी एस एस के पेपर में स्टांस यही रहेगा कि वो स्टेट पाकिस्तान की है केपी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और भाई आप अपना काम करें ऐसे गप नहीं है लेकिन आप जरा प्रैक्टिकली एज अ पर्सन सोचे आपके घर मैं मालिक हूं तो मुझे जमीन और चीजों का आइडिया कि हमारे गांव की जमीनों शमीनों की किसे और ये होते रहते आप लोगों का चले अपना अपना घर है अपने आपके घर के आप सुबह जागे और आपके ग्राउंड है जहां पे पौधे लगे थे जी वहां पे किसी ने दीवार खेच लिया कि ये नेबर ने ले लिया आप उसकी टांग नहीं तोड़ देंगे अपने घर का एक इंच देते हुए भी मौत पड़ती है मैं कहती हूँ आपके वालदेन की जमीनें होंगी आप दे दें चैरिटी कर दें किसी को दे दें बस अल्लाह के वाले दे दें जमीनें चैरिटी करना भी अच्छी बात है लेकिन आप किसी को वैसे ही दे दें बस आप नहीं देंगे आप बेचेंगे तो बात यह है कि जब आप अपनी जमीन अपना घर अपना कमरा अपना ग्राउंड के बारे में इतने पोजेसिव हैं हाउ कम यूर नॉट पोजेसिव अबाउट योर स्टेट हाउ कम यू सो कैजुअली टेल समबडी टू कम इन एंड टेक इट क्यों ले? भाई आप हमें अपना अफगानिस्तान का पार्ट अच्छा क्लेम क्या है कि पख्तून उस तरफ भी है और हैं और पख्तून जो है इस तरफ भी हैं तो बॉर्डर के दोनों तरफ पठान जो है वो सेम लैंग्वेज है हमने कल्चर को डिवाइड कर दिया है बॉर्डर से बॉर्डर खत्म करो ये हमारा क्लेम ये है हमने कहा भाई आपकी बात ठीक है पहली बात तो ये कि कनाडा के, के बॉर्डर के उस तरफ इस तरफ दोनों तरफ अंग्रेजी है कोरिया के बॉर्डर के ऊपर नीचे कोरियन है इसी तरह वेतनाम है इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज है टेक्सिस एंड मैक्सिको है बहुत कंट्रीज है जो बॉर्डर से डिवाइडेड है और इंडिया और पाकिस्तान है उनकी हिंदी और हमारी उर्दू बहुत सुनने में तो बिल्कुल सेम है यू कैन अंडरस्टैंड देम तो हमने कहा पहली बात तो ये दूसरी ये कि चलें फिर भी अगर आप कल्चर को बहुत ही जोड़ना चाहते हैं आप हमें अफगानिस्तान दे दे तो केपी के साथ हम अफगानिस्तान को पूरा प्रोविंस बना लेते हैं दे दें हम तो फिर नहीं लेना ही है तो बात ये है कि हमारा सीएसएस में ये स्टांस रहेगा हमारी जमीन क्यों दे किसी को भी नहीं देनी ठीक है यार देखो बात ये दे डोंट कंसीडर ये तो इस तरह की बात है आई डोंट कंसिडर सी एस एस का एग्जाम बाढ़ में है ही नहीं आप एग्जाम नहीं दे रहे होंगे लेकिन बाकी दुनिया तो दे रही है ठीक है इसी तरह वो ना माने भाई पूरा बॉर्डर पे आपकी कंडा तार बिछा दी गई है आपका सील हो चुका है बॉर्डर अफगानिस्तान से कहा जाए आप इस तरफ आके दिखाएं आप जरा बॉर्डर को क्रॉस करके कोई बंदा बगैर वीजे के आप दिखा दे आप लाइन को नहीं मानते आप उधर से इधर आ जाए आपको समझ आ जाएगा ड्यूरेंट लाइन का बात यह तो ये सिर्फ बातें हैं तो हम अपना लैंड किसी को नहीं देते और ना देना चाहिए हाँ आप बिल्कुल करेंगे आई लॉ की बात है ठीक है अच्छा जी तीसरी बात है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ

आप बताएं कि आपको कितना पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि आप दिल्ली तक पहुंचे बहुत टाइम लगेगा बीच में आपको बहुत काउंटर किया जाएगा रोका जाएगा आप मुश्किल ही पहुंच सकेंगे दिल्ली तक पाकिस्तान तो इतना पतला है और यहाँ पे सेंटर में इस्लामाबाद है तो इंडिया वाले अगर यहां से एंटर होते हैं तो ये ठा करके पहुंच जाएंगे दिस इज स्ट्रैटेजिक डेप्थ कि आप के आर पार होने में उनको कितना टाइम लग जाए तो बहुत हाँ फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर कितना डिस्टेंस है वो हमारा बड़ा कम है ट्रांस जो जब करते हैं ठीक है तो इंडिया का वो बहुत बड़ा है जिन कंट्रीज का जितनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बड़ी होती है वो उतने सेफ होते हैं तो पाकिस्तान का एक थोड़ा सा मसला ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है तो अफगानिस्तान क्लेम करता है जी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितना यूज कर रहे हैं हमारे एरिया तक अपनी मिलिट्री यहाँ तक फैलाई हुई है इधर तक खुद को बचा रहे होते हैं

लेकिन फॉर एग्जाम्पल की आपका इस्लामाबाद कैपिटल कोई अगर टेक ओवर कर लेता है तो आपको सेंटर तो ले लिया तो बाकी कंट्री तो सेंटर कंट्रोल कर रहे होता है ये इस तरह अच्छा जी तो इसी